इब्तदा उस रब जलील के नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि हम आप लोगों के साथ पीएसटी और जेएसटी के अपडेट्स शेयर करते हैं, आज जो पीएसटी और जेएसटी के अपडेट्स आई हुई है, जो कि बताया जा रहा है कि 13 तारीख में जो जेएसटी की टेस्ट हुई थी उसमें 1 मार्क्स एडिशनल दी गई है, यानी 1 मार्क ग्रेस उम्मीदवारों को दी गई है। अब ये वाजह नहीं बताया गया है कि सब उम्मीदवारों को दी गई है या जिसका उस टेस्ट में जो सवाल एक क्वेश्चन था उसका सही था उसको दी गई है। अब ये वाजह पॉलिसी नहीं बताई गई है। फिलहाल जो उम्मीदवार कुछ उम्मीदवारों ने हमसे रब्ता किया, उन्होंने बताया कि हमारी 1 मार्क्स जो है ग्रेस हो गई है। अब ये वाजह उम्मीदवार बता सकते हैं जो 13 तारीख में प्रेजेंट हुए थे, या 13 तारीख में जिन जिन उम्मीदवारों की टेस्ट थी वही फिलहाल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वही बता सकते हैं कि सब उम्मीदवारों को 1 मार्क्स मिली है, या सिर्फ़ और सिर्फ जिनका वो एक सवाल जो है कुछ बता रहे हैं कि साइंस का सवाल था, कुछ बता रहे हैं कि कोई और सवाल था। अब ये वाजह नहीं है कि कोई किस सवाल पे 1 मार्क्स दी गई है। अगर आप लोगों में से किसी को मालूम है कि कौन से सवाल पर जो है 1 मार्क्स दी गई है, वो आप कमेंट सेक्शन में हमारे पास ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ये आप लोगों की फतेह है क्योंकि इतने दिनों से आप लोगों ने एहतजाज किया, मुख्तलिफ सोर्सेज यूज़ किए, कोर्ट कुछ उम्मीदवार गए हुए हैं और आईबी गेट के बाहर लोगों ने धरना दिया हुआ था, यानी मुख्तलिफ सोर्सेज से मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ एहतजाज करते रहे, अपनी आवाज़ें बुलंद करते रहे। आप अपनी आवाज़ें बुलंद करते रहें, आप ही की आवाज़ ये ऐवानों तक जाती हैं, आप ही की आवाज़ जो ये पॉलिसियाँ बदल सकती हैं, पॉलिसियाँ बना सकती हैं और पॉलिसियों में तरमीम ला सकते हैं। आप लोगों के साथ हम गुड न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, जो कि जेईएसटी की 13 तारीख की टेस्ट थी उसमें से कुछ उम्मीदवारों को 1 ग्रेस मार्क्स दी गई है। अब ये वाजह नहीं बताया जा रहा है या वाजह मालूम नहीं हो रहा है कि सब उम्मीदवारों को दी गई है या कुछ जिनका सवाल वो सही था, एक सवाल था कोई भी जिनका वो की में सही था उनको ग्रेस मार्क्स दी गई हैं। ये भी आप लोग उम्मीदवार ही बता सकते हैं कि जो 13 तारीख में अपियर हुए थे उन्हीं को मालूम होगा कि सबको मिली है या कुछ मखसूस उम्मीदवारों को वो 1 मार्क्स ग्रेस मिली हुई है। यहाँ पर टेस्टों में 1 मार्क्स का भी बहुत बड़ा वैल्यू होता है। अगर किसी की 54 मार्क्स थी तो उनको 55 मार्क्स आप मिल गई होंगी और वो पास सेक्शन में आ गया होगा। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, मे भी दूसरे पेपरों में भी वो देखें और सही तरह से आइडेंटिफाई करें और इंसाफ करें। हम चाह रहे हैं कि इदारे खुद ही इंसाफ करें, इदारे खुद ही चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। अगर उनमें कोई गलती वगैरह है या किसी की करेक्शन है तो उनमें ग्रेस मार्क्स देने चाहिए, उम्मीदवारों को फ़ायदा मिलना चाहिए। इसके साथ ही सबका यह भी मुतालबा है कि जो इथिक्स के सवाल दिए गए हैं, जो इस्लामियत की जगह इथिक्स के सवाल काफ़ी आ गए हैं, उनका भी अदाला किया जाए, यानी उनकी भी ग्रेस मार्क्स दी जाएँ तो सबका भला हो जाएगा। हम भी यही चाह रहे हैं कि आईबी वाले खुद ही आइडेंटिफाई करें, चीज़ों को देखें, खुद ही एनालाइज करें और जिनमें वो समझ रहे हैं मिस्टेक्स हैं वो ग्रेस मार्क्स उम्मीदवारों को मिलनी चाहिए। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, इस एक पेपर में उन्होंने जो 1 मार्क्स दे दिए, मे भी आगे चल के वो देखें दूसरे पेपरों में भी जो मिस्टेक्स हैं, जो रियल मिस्टेक्स हैं, उन पर उनका अदाला किया जाए, यानी ग्रेस मार्क्स दी जाएँ तो सबके लिए बेहतर होगा। अगर आप लोग हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक मौसूल हो सके और अपनी राय फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।